अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्सोल्यूट ग्लैम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोग हैरान होंगे कि मैं इस तरह से कैसे आ गई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ना मैं व्लॉगिंग भी किया करूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ हर रोज़ मिल सकें और मैं अपने चैनल पर हर वक्त कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेकअप की वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी अपने इस चैनल पर और व्लॉगिंग भी करूँगी। तो अगर मुझसे कोई, मेरा पहला व्लॉग है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज़ उसको पॉइंट आउट करने के बजाय मुझे बताइएगा कि मैंने ये गलती की है, तो इसको इम्प्रूव करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरी व्लॉगिंग देखकर, और मैं पूरा दिन घर में क्या करती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या मेरा काम है सारा दिन, मेरी पूरी रूटीन क्या है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया है। अभी तो मैं सारे अपने घर के काम शुरू ख़त्म कर चुकी हूँ और सारा कुछ हो चुका है और शाम हो रही है और मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा है। तो मैं तब तक आप लोगों के साथ अपना जो है घर दिखा देती हूँ, आप लोगों को एक छोटा सा होम टूर करा देती हूँ, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप बोर नहीं होंगे। दिस इज़ माय बेडरूम, आप देख सकते हैं छोटा सा है बट क्यूट है। और ये वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, और ये मैंने वहाँ पे स्टैंड रखा हुआ है एक कपड़ों के लिए, और डस्टबिन वगैरह मैट्स वगैरह हैं, और ये आ जाता है मेरा टीवी लाउंज। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरा सोफ़ा है और बाकी सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे इस साइड पे आएंगे तो इस तरह से मेरा टीवी, फ्रिज, ओवन और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और वहाँ से एंट्रेंस है मेरे घर की, और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, इस तरह का है आप देख सकते हैं, बहुत क्यूट सा और घर है मेरा माशाल्लाह। मैं आप लोगों को अपने घर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जो सबको पसंद आती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि मेरे हस्बैंड को और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद है। मेरा सेकंड रूम है, और यहाँ पे ये रिंग लाइट रखी हुई है, ट्रेडमिल है, और ये कपड़ों का स्टैंड भी है, और यहाँ पे मेरी ये वार्डरोब है, और यहाँ पे एक कम्बल पड़ा हुआ है जो कि यहाँ जाएगा वापस, क्योंकि मेहमान आए थे और ये वापस रखना था, तो मैं उस टाइम इसको रख नहीं सकी थी। तो अब सबसे मेन चीज़ पे हम आ जाते हैं, जो कि मैं आप लोग को बोल रही थी कि मेरी फेवरेट है और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स की। ये मेरा टेरेस है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है दिन में और रात में भी, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे हम बोर नहीं होते। बेसिकली ये बहुत अच्छी जगह है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन आप अकेले रहते हो लेकिन आप बोर नहीं होते इस व्यू की वजह से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो मैं दिन में भी आपको दिखाऊंगी और आप इंशाल्लाह अब इसको हर रोज़ देखेंगे इस व्यू को। और सामने ये बराबर में हमारी एक और बिल्डिंग है, तो अब वापस हम रूम में चले जाते हैं, और फिर वापस हम आ गए हैं टीवी लाउंज के अंदर, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पूरे घर का छोटा सा होम टूर दे दिया है, और इंशाल्लाह प्रॉपर डीपली भी मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है इसलिए मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करा रही हूँ अपने घर का और अपना। और आप लोगों ने मुझे मेरा घर नहीं देखा था पहले, तो इसलिए मैंने आप लोग को पहले घर दिखाया है, और बाकी काम तो मैं पहले पूरे दिन में कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने वो अपने काम वाम नहीं दिखाए। और काम तो आप बहुत कम ही देखने को आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करके फारिग हो जाती हूँ। बाकी सारे काम तो पहले ही कर चुकी थी, तो इसलिए मैं वो काम आप लोगों को दिखा नहीं पाई करते हुए, और इसलिए मैंने आप लोगों को छोटा सा होम टूर दिया है। और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं व्लॉग्स बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, तो आप लोग सब कुछ देखेंगे मेरे इसी व्लॉग में। और अभी मैंने एक और रूम है मेरा, वो आप लोगों को नहीं दिखाया, और अपना किचन भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। जब किचन में काम करूंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप लोगों को किचन तब देखने को मिलेगा।
और मेरा एक और बेडरूम है, वो भी नहीं मैंने आप लोगों को दिखाया। तो इंशाल्लाह हर चीज़ जो है आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगें तो उनको आप लोग को पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मैं बार बार बोलती रहूँगी, आप लोग के कान खाती रहूँगी जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे मेरी चीज़ों को, ठीक है? मैं ऐसी हूँ, मैं करूँगी आप लोगों को तंग। मैं फारिग बैठी हुई हूँ, मेरे पास कोई काम करने को नहीं है, तो मैंने खाना वगैरह बना लिया है, हाफ डन करके रखती हूँ मैं खाना। और जब मेरे हस्बैंड वापस आते हैं तो हम लोग चाय के साथ कुछ लेते हैं, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि फिर आप उसी टाइम खाना बनाते हो, उसी टाइम सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है और देर भी हो जाती है। तो मैं इसलिए, अगर मैंने कोई मटन या बीफ बनाया है तो मैं उसको हाफ डन कर लेती हूँ पहले से ही, और मैं काफ़ी चीज़ें हाफ डन करके रख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप 5-10 मिनट में अपना खाना तैयार करके बाहर आ जाते हैं, पूरा पूरा टाइम आपको सड़ना नहीं पड़ता किचन के अंदर। और आप लोगों को इसी तरह से करना चाहिए अगर आप हाउसवाइफ हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने हस्बैंड को भी टाइम देना होता है। ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड आए और आप किचन में चले गए और आपने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। तो ये एक अच्छी मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर कर रही हूँ कि आप लोग आधी चीज़ें पहले से ही करके रखें, ताकि आपके हस्बैंड आए, आपको 10-15 मिनट लगे और आप चीज़ें करके और वापस आ जाए। तो गाइस, ये मेरा किचन है, और किचन में आपको पता ही है खाना बनाने के लिए आना पड़ता है। तो अब मैं इस टाइम खाना बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो अब मैं खाना बना लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के वीडियो क्लिप्स भी शेयर करती रहूँगी। बन रहा है मेरा सालन, और आज हम बना रहे हैं चिकन शोरबा और चावल। तो गाइस, खाना मैं बनने के लिए रख के आ चुकी हूँ, और आज का हमारा मेन्यू है चिकन शोरबा और चावल। और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है चिकन शोरबा और चावल का कॉम्बिनेशन, और किस किस को पसंद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि आप लोग भी चिकन शोरबा और चावल खाते हैं। कुछ लोग रोटी के साथ खाते हैं, कुछ लोग चावल के साथ खाते हैं, लेकिन चावल के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हर चीज़ के साथ अपना अपना मज़ा आता है। तो अब बस मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे और फिर मैं चावल बनाऊँगी। क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है कि आप पहले बना के रख दो तो वो ठंडे हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं होते लगते। तो इसलिए मैं चावल उसी टाइम बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड आते हैं। तो वो मुझे पहले बता देते हैं कि आप अब बनाना स्टार्ट कर दें, तो मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और पहला व्लॉग है तो समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं किचन में जा रही हूँ सालन को देखने, ऐसा ना हो कि सालन मेरा जल जाए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, लेकिन अब हम बाद में उसको देखने आएंगे, वरना बार बार ढक्कन हटाऊंगी। तो ये मेरा किचन है, वहाँ पे मेरा सालन बन रहा है, और वहाँ पे मैंने इस बाउल के अंदर चावल भिगो के रखे हुए हैं, और उस प्याली के साथ मैंने उनको मेजर किया है। तो उसी में ही उसी के हिसाब से मैंने पानी ऐड करना है उसके अंदर, तो वो इस वजह से उसके बराबर में रखा हुआ है। तो अब बस वेट कर रही हूँ हस्बैंड के आने का, देखते हैं कब आते हैं। तो भाई, ये है हमारा खाना जो कि मैंने रेडी कर लिया है, और अब हम खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और इंतज़ार नहीं कर सकती मैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं रात में अपना व्लॉग एंड करना भूल गई थी और मुझे याद ही नहीं रहा। उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद मैंने चाय बनाई, उसके बाद हम ससुराल गए थोड़ी देर के लिए, और फिर हम वापस आ गए, और मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, और मैंने जो है व्लॉग को एंड भी नहीं किया था। तो अभी ये सुबह का टाइम है, तो मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा जो है फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।